जो क्वेश्चन है वो भी पार्शियल डिफरेंशिएशन से है, मैं आपको बता दूं। हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है इस इक्वेशन को। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस आई वाई प्लस जी ऑफ एक्स माइनस आई वाई, और जहाँ पे आई स्क्वायर इज इक्वल टू वन है, माइनस वन है सॉरी। सो पार्शियली डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब ऐसा किया हमने तो क्या हो गया, ये एफ डैश एक्स प्लस आई वाई प्लस जी डैश एक्स माइनस आई वाई, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो ऐसे ही बनेगा ये। अब पी डी विद रिस्पेक्ट टू वाई, पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है, तो क्या बनेगा, एफ डैश एक्स प्लस आई वाई। अब यहाँ माइनस आई बाहर क्यों आया, क्योंकि ध्यान से देखिए, जब इसको डिफरेंशिएट किए उसके बाद अंदर जाएंगे जब, तो इसका तो ज़ीरो और इसका वन, बचेगा क्या कांस्टेंट आई, और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस आई। इस वजह से देखिए माइनस आई यहाँ पे आ गया। अगेन पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, ठीक, फिर से हमने डिफरेंशिएट किया पार्शियली। तो ये यहाँ पे पहली बार में क्या आया था ऐसा, दूसरी बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो कुछ ऐसा ही यही आ जाएगा वापस से, ठीक। अब डेल जेड, डेल टू जेड बाई डेल वाई टू इसको करेंगे तो यहाँ पे इस इक्वेशन को हमें दोबारा डिफरेंशिएट करना होगा। तो यहाँ देखिए आई 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 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, आई 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 स्क्वायर हो गया। अब इसके लिए आपको देखना क्या है, यहाँ पे क्या करेंगे, जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ भी हमारा माइनस वन बन जाएगा, माइनस वन। मैं थोड़ा जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये कहाँ गया, जस्ट वेट वन मिनट, ये आई स्क्वायर यहाँ से मतलब डिफरेंशिएट करने के बाद आई बाहर निकलेगा तो ये आई स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि माइनस वन। और सिमिलरली यहाँ भी ऐसा ही होगा, ठीक है, यहाँ भी माइनस वन, आई स्क्वायर बराबर माइनस वन, एक और माइनस आएगा बाहर साथ में, इसीलिए यहाँ पे प्लस हो गया है और माइनस वन ऐसे आया है। बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, डाउट आएगा लोगों का, ठीक। दोनों जगह माइनस वन कॉमन ले लिया हमने, तो बाहर माइनस ही है, अंदर वाली चीज़ क्या है, देखी देखी से लग रही है, ये ऊपर वाले डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स टू है, ठीक। ये नेगेटिव में आ गया, हम इसको उधर ले जाएंगे उस साइड, तो हमारा फाइनल इक्वेशन जो फाइनल सोल्यूशन जो बनेगा वो ये है, डेल टू जेड अपॉन डेल वाई टू इसको बोलते हैं आर, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स टू इसको बोलते हैं टी। सो दिस इज़ द फाइनल सोल्यूशन, आर प्लस टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू अवर चैनल। और रेडियस ऑफ कर्वेचर, पीडल इक्वेशन, इंट्रेंसिक इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, सारी प्लेलिस्ट आपको इस चैनल पर मिल सकती हैं, जाके सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऑल दैट।